देख रहे हैं हमारी खास पेशकश रोड टू रिकवरी, और आज हम फोकस करेंगे ऑटो सेक्टर पर फिर से। और ऑटो सेक्टर में आज स्पेसिफिकली कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट पर हमारा फोकस होगा। और एक बड़ी कमर्शियल व्हीकल कंपनी वोल्वो आयशर कमर्शियल व्हीकल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ इस वक्त शो में जुड़ेंगे, मिस्टर विनोद अग्रवाल। मिस्टर अग्रवाल, बहुत बहुत शुक्रिया शो में जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे बिजनेस पर जानना चाहूँगी। अब चूँकि स्लोली लॉकडाउन लिफ्ट हो रहा है, स्लोली रिकवरी की तरफ हम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं प्रोडक्शन लेवल्स इस वक्त प्लांट पे, कहाँ से डिमांड दिख रही है, और अभी जो 2 महीने का लॉकडाउन था उसमें कितना नुकसान हुआ कंपनी? देखिए, ये 2 महीने का लॉकडाउन हुआ और उसके बाद अभी हम धीरे धीरे ऑपरेशंस को स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हमारे सारे प्लांट्स जितने भी थे वो सारे स्टार्ट हो गए हैं, पर अभी प्लांट्स में जो एक्टिविटी है अभी बहुत लोअर लेवल पे है। जैसे अभी यू कैन से कि वी आर ओनली रनिंग एट ए कैपेसिटी ऑफ मे बी अराउंड 10 to 15%, और वर्कमैन और स्टाफ भी 30 से 35% तक के हमारे जो लोग हैं वो प्लांट्स में अभी आ रहे हैं। अब सप्लाई चेन जो है वो भी काफ़ी हद तक एक्टिवेट हो गई है, और हमारे डीलरशिप्स जो हैं वो भी खुल गए हैं, वर्कशॉप्स और डीलरशिप्स। अब मेन है डिमांड, तो डिमांड अगर जैसे ही बढ़ती है उसके साथ साथ हम धीरे धीरे कैपेसिटी को और यूटिलाइजेशन जो है धीरे धीरे बढ़ाते रहें। तो अभी स्टार्ट हो गया है, तो थिंग्स विल बिकम नॉर्मल इन द कमिंग डेज। ओके, थिंग्स विल बिकम नॉर्मल, ये उम्मीद की जा रही है। बट जो हमने ड्रॉप देखा मंथ ऑन मंथ 85% ड्रॉप हुआ सेल्स में, फिलहाल डिमांड के जो शुरुआती ट्रेंड दिख रहे हैं वो कैसे हैं? कौन से सेगमेंट्स में आपको लगता है डिमांड आएगी? क्योंकि कमर्शियल व्हीकल बहुत बड़ा सेगमेंट है, डिफरेंट एरियाज में यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, सेग्रीगेट कर सकते हैं सेगमेंट वाइज इसको। तो कौन से सेगमेंट्स में आपको लगता है डिमांड वापस आएगी? और बिकॉज रूरल और फार्मिंग पर बहुत फोकस किया गया है इस वक्त, तो आपको उम्मीद है कि वहाँ से थोड़े ट्रेंड्स ठीक ठाक रहेंगे? डेफिनेटली रूरल सेगमेंट जो है वो तो ऑलमोस्ट नॉर्मल ही है, तो जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी हमारी अच्छी ही हुई है, हार्वेस्टिंग अच्छी हुई है, तो उसके कारण से रूरल की जो रूरल से लिंक्ड जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं तो वो सारी नॉर्मल हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में उम्मीद है कि उसमें जल्दी पिकअप होगा, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट्स होने की उम्मीद है। इसके अलावा कई स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे जहाँ जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स अलॉट हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे LPG सिलेंडर मूवमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स अभी अलॉट हुए थे, तो वहाँ से डिमांड आ रही है। सिमिलरली CNG ट्रक्स की डिमांड ज़्यादा आ रही है, या e-कॉमर्स से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा आ रही है। परंतु अगर आप हॉलेज एक्टिविटीज देखें तो अभी तक भी जो हॉलेज एक्टिविटीज काफ़ी अभी डाउन है, क्योंकि अभी भी सिर्फ 35 से 40% तक ट्रक ही रोड्स के ऊपर चल रहे हैं, तो अभी आइडल कैपेसिटी काफ़ी है, तो हॉलेज की एक्टिविटीज सारी डाउन है। जैसे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं तो उसकी डिमांड कम है, तो उसके कारण से जो भी उनका मूवमेंट है वो डाउन है। सिमिलरली जैसे ऑटो कंपनी जितनी भी हैं, जैसे कार मैन्युफैक्चरर्स हैं या टू व्हीलर्स हैं, उनकी फैक्ट्रीज में भी कम कैपेसिटी पे चल रही हैं, तो उनकी जो फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन करने के लिए जो भी कंपोनेंट्स का मूवमेंट होता है या पार्ट्स का मूवमेंट होता है वो भी कम हो रहा है। सिमिलरली अगर उनका प्रोडक्शन कम है तो उनके फिनिश गुड्स का मूवमेंट भी कम हो रहा है, तो ये सारा मूवमेंट कम हो रहा है, तो ट्रक्स के ऊपर उसका इम्पैक्ट जो है बिल्कुल डायरेक्ट आता है। और GDP का अगर आप देखते हैं तो GDP में भी जैसे अभी एक्सपेक्टेशन चल रही है कि इस साल की GDP में 5-6% का ड्रॉप होगा, तो दैट इज अनदर फैक्टर जिसके कारण से जो कमर्शियल व्हीकल्स की डिमांड है वो थोड़ी सी सप्रेस्ड ही रहेगी इस साल में। ओके, तो कमर्शियल व्हीकल्स की डिमांड सप्रेस्ड रहने की डेफिनेटली यहाँ पर लग रहा है कि ये ट्रेंड्स लग रहे हैं। बट सर, सप्लाई चेन पर कितना असर हुआ है? क्योंकि आपका बिजनेस या ऑटोमोबाइल ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए सप्लाई बहुत ही क्रिटिकल है, और बहुत डिपेंड करते हैं हम बहुत सारे पार्ट्स के लिए आउटसाइड ऑफ इंडिया, तो वहाँ पर क्या दिक्कतें फेस कर रहे हैं, और आगे चलकर क्या आप फर्दर लोकलाइजेशन की तरफ फोकस करेंगे? सप्लाई चेन में देखिए, हमारे कोई टोटल अगर VECV पूरी कंपनी में देखें तो हमारे कोई 800 के भी ज़्यादा सप्लायर्स हैं, तो 800 सप्लायर्स में से अभी हमारे 95-97% सप्लायर्स जो हैं वो सारे एक्टिवेट हो गए हैं। कुछ सप्लायर्स थोड़े से जैसे पूना बेल्ट में अभी भी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, या चेन्नई में थोड़े सप्लायर एक्टिवेट नहीं हुए, जहाँ थोड़े महाराष्ट्र में सप्लायर एक्टिवेट नहीं हुए, तो थोड़े से सप्लायर छोड़ के बाकी मोस्टली एक्टिवेट हो गए हैं। सिमिलरली हमारे जो ओवरसीज सप्लायर्स हैं, जैसे कुछ सप्लायर चाइना में है या कुछ यूरोप में है, फ्रांस में है, जर्मनी में है या इटली में है, तो वहाँ से भी अभी थोड़ी थोड़ी सप्लाई जानी शुरू हो गई है। तो धीरे धीरे करके सप्लाई चेन जो है वो एक्टिवेट हो गई है। सबसे ज़्यादा इसमें जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो ये था कि जो सप्लायर्स की जो कैश की दिक्कतें हैं, जैसे सप्लायर्स के पेमेंट्स हैं, तो उनको पेमेंट्स को किया जाए टाइम पे। तो उसमें हमने अपनी कंपनी से बहुत स्टेप्स लिए कि सप्लायर्स की पेमेंट्स डिले ना हो, तो उनकी सारी पेमेंट चाहे हमारे रिसीवेबल्स या हमारी इन्वेंट्री में इतना मूवमेंट नहीं हुआ, तो हमें इतना इनफ्लोज अच्छे नहीं थे, परंतु इन स्पाइट ऑफ दैट हमने सप्लायर की जो पेमेंट्स ड्यू थी वो सारी करी, तो जिसके कारण से सप्लायर जो हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि यस आई कैन हियर यू। ओके, फेयर इनफ सर। तो यहाँ पर सप्लाई चेन पर आपने अपडेट दिया, इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा सर अगर हम बात करें जो आरबीआई की तरफ से रेट कट्स हुए और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे ग्रोथ को देखते हुए, इस वक्त जो ज़रूरत है ग्रोथ के लिए, डिमांड के लिए, उसका कुछ असर आप देख रहे हैं ऑन ग्राउंड? वाकई डिमांड में पैटर्न कुछ चेंज हुआ है, लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, डीलरशिप आपने कहा कुछ हद तक खुल गए, क्या अपडेट एग्जैक्टली है? कितनी डीलरशिप्स खुली है और अभी कितनी और खुलने की बाकी हैं, और कितना लेवल ऑफ वर्क इस वक्त हो रहा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज? देखिए, जो वर्कशॉप डीलरशिप की जो वर्कशॉप्स हैं जहाँ पे गाड़ियाँ रिपेयर के लिए आती हैं, तो उसमें एक्टिविटी 35-40% तक हो गई है नॉर्मल, क्योंकि 35-40% ही ट्रक चल रहे हैं, तो 35-40% तक की एक्टिविटी वर्कशॉप्स में नॉर्मल हो गई है। एज फार एज सेल्स आर कंसर्न, अभी भी कस्टमर्स बहुत कम आ रहे हैं, और दूसरा थोड़ी सी फाइनेंसिंग में भी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि डीलर्स ने या कस्टमर्स ने जहाँ जहाँ पे मोराटोरियम लिया है तो उनको नया फाइनेंस लेने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि अगर ऑलरेडी उन्होंने मोराटोरियम लिया है तो बैंक्स का कहना है कि अगर आपने ऑलरेडी मोराटोरियम लिया है तो आप नया लोन क्यों मांग रहे हैं। तो इसलिए थोड़ी सी उनको दिक्कतें आ रही हैं जहाँ पे नया कस्टमर, जैसे कोई नया फाइनेंसिंग चाहता है और उस कस्टमर ने ऑलरेडी मोराटोरियम लिया है, तो उस कस्टमर को नया फाइनेंसिंग लेने में दिक्कत आ रही है। और सिमिलरली जैसे डीलर ने ऑलरेडी मोराटोरियम लिया है तो उसको और फाइनेंस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बाकी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो स्टेप्स लिए हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने किया है, जहाँ लिक्विडिटी को इम्प्रूव किया है, तो उससे डेफिनेटली फायदा होगा। ओके, फेयर इनफ। तो उससे उम्मीद है फायदा होगा। फाइनली सर, कंपनी के लिए अब क्योंकि ये साल बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड रहा, बहुत सारी डिफिकल्टीज भी देखने को मिल रही हैं, खराब साल जाने की उम्मीद है, FY21 इस तरह से अगर हम बोले ओवरऑल क्या क्या आप रिवाइज कर रहे हैं अपनी गाइडेंस और किस लेवल्स पर, और कैपेक्स अगर लाइंड अप थे तो क्या उनको अभी आप होल्ड करेंगे? स्ट्रैटेजी वाइज कंपनी के बिजनेस में अब क्या बदलाव लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये रीसेटिंग का मोड हो गया है, सबको देखना होगा कैसे कॉस्ट को कम किया जाए और ग्रोथ पर फोकस किया जाए। इसमें देखिए, हमने ना काफ़ी शुरू से ही हमने ये देख लिया था कि ये साल थोड़ा सा मुश्किल जाने वाला है, तो इसलिए हमने अपने जो बिजनेस प्लानिंग था उसमें हमने सिनेरियो प्लानिंग किया कि अगर डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, अगर जैसे इंडस्ट्री अच्छा चलती है तो फिर कितनी सेल होने की उम्मीद है, अगर इंडस्ट्री डाउन रहती है, GDP अगर गिरता है तो फिर कितनी सेल रहने की उम्मीद है। तो इस तरह से हमने अपने आप को बिल्कुल तैयार किया है कि अगर खराब सिनेरियो हो तो हमें क्या करना है, अगर अच्छा सिनेरियो हो तो हमें क्या करना है। तो एक तो ये सिनेरियो प्लानिंग बहुत जरूरी होगी इसमें, और दूसरी हमने जो कैपेक्स की जो बात है उसमें काफ़ी कैपेक्स प्रोग्राम ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, क्योंकि हमारा लास्ट अभी BS4 to BS6 टेक्नोलॉजी माइग्रेशन वो पूरी तरह से हो गया है, तो BS6 में जो इन्वेस्टमेंट होना था वो हो चुका है। सिमिलरली हमारी कैपेसिटीज भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट पूरा हो चुका है, तो इसलिए कैपेक्स प्रोग्राम अभी कोई ज़्यादा वैसे बचे नहीं हैं। आई थिंक पूरी इंडस्ट्री के लिए ही जो कैपेक्स का जो पीरियड था वो काफ़ी अभी निकल चुका है, तो अभी आने वाले समय में तो ये करना है कि जो हमने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है उसको अभी उसका बेनिफिट जो है, जो उसको इन्वेस्टमेंट का पूरा जितना भी रिजल्ट आना चाहिए वो लेना है हमें, तो और कैपेक्स की ज़्यादा जरूरत नहीं होगी। ओके, इसका कैपेक्स की जरूरत नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर विनोद अग्रवाल हमारे साथ जुड़ने के लिए शो में, और हमें बताने के लिए कि वोल्वो आइशर कैसे डील कर रहा है COVID-19 से और आगे का क्या आउटलुक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम फोकस करेंगे एक FMCG कंपनी की जो बहुत ही फेमस है, मैं बात कर रही हूँ पार्ले की, और पार्ले के प्रोडक्ट हेड महेश शाह हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं।